सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज। आजम के बेटे अब्दुल आजम और पत्नी तंजीमा फातिम के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट। कई तारीख पर ना पहुंचने के चलते कोर्ट ने किया है वारंट। रामपुर पुलिस ने सर्विस लांस टीम की मदद से लगभग 49 मोबाइल फोन की बरामद। एसपी ने पुलिस की जमकर थपथपाई पीट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले मनोहरपुर के प्राथमिक विद्यालय में विधिक सेवा शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में ग्रामीणों को कराया गया कानून की बारीकियों से अवगत। अमरोहा में बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर कारीगरों को बनाया बंधक। बदमाशों ने लगभग 20 लाख के माल पर किया हाथ साफ। कुंदरकी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते रिक्शा चालक को मारी गई गोली। गोली लगने से चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। थाना मुगलपुरा इलाके में धार्मिक स्थल के सामने स्कूटी खड़े करने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने मामला कराया शांत। भारतीय रेल ने मातृ दिवस के अवसर पर की दुधमुहे बच्चों के लिए बेबी बर्थ की शुरुआत। माँ के साथ बिना दिक्कत के सो सकेंगे छोटे बच्चे। स्टेशन पर कैटरिंग स्टॉल में लगी भयंकर आग। फ्रिज व चाय कॉफी मशीन समेत कई सामानों में लगी आग। गिंदोड़ा के किसान बना रहे हैं ऑर्गेनिक जैविक खाद बेचकर कमा रहे हैं अच्छा पैसा। आरएसजी अकेडमी में विश्व नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम। प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मनाया गया जन्मदिन। ग्राम पंचायत गिंदोड़ा में खुलने जा रहा है सबसे खूबसूरत ओपन जिम। जिम खुलने से युवा कर सकेंगे खुद को फिट। आधुनिक स्लेटर हाउस के निर्माण को लेकर किया प्रदर्शन। एक 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आजम खां की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर कोर्ट में हुए हाजिर। आजम खां को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में किया गया पेश। सिविल लाइन्स स्थित शहनाई मंदिर में स्कॉन प्रचार समिति के द्वारा संध्या राधा श्याम सुंदर कार्यक्रम को लेकर की गई बैठक। बैठक में कार्यक्रमों को लेकर की गई चर्चा।